हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में निकली नई वैकेंसीज़ के बारे में। उनकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बात करें वैकेंसीज़ की, IHPT पालमपुर में ये वैकेंसीज़ निकली हैं जो वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा फिलअप की जाएंगी। पहली जो वैकेंसी है, प्रोजेक्ट टाइटल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रोजेक्ट एसोसिएट की। इसमें 25,000 पर मंथ सैलरी रहेगी, 35 साल एज लिमिट रहेगी। पोजीशन कोड जो प्रोजेक्ट नंबर हैं इसके लिए वो हैं 10,001, 10,002 और एक के लिए मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी या फिर एम फार्मा की। और साथ ही साथ जो है ये जो दूसरी है प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन, इसके लिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है बायोटेक्नोलॉजी में तब आप एलिजिबल हैं। टेन्योर रहेगा एक का 2023 तक और दूसरे का रहेगा सितंबर 2022 तक, और इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होंगे 8 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है इसका नंबर है 10,003, प्रोजेक्ट एसोसिएट 31,000 पर मंथ प्लस HRA रहेगा। जो सेलेक्ट हुए हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू या फिर जिनका गेट क्वालिफाइड है, और 25,000 अदर्स के लिए रहेगा। MSc किया होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, और इसका टेन्योर रहेगा प्रोजेक्ट का मार्च 2023 से 8 जुलाई को इसका वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होगा। नेक्स्ट है 10,004 प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, इसमें जो आपका MSc किया होना चाहिए किसी भी ब्रांच लाइफ साइंस की, 2 साल का एक्सपीरियंस R&D का होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़। 1 2025 तक इसका टेन्योर रहेगा प्रोजेक्ट का। और साथ ही साथ जो है इसमें बताया गया है 8 जुलाई 2022 को इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू जो है आपके कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट है 10,005 प्रोजेक्ट नंबर, इसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की एक पोजीशन है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 है 35 ईयर्स एज लिमिट रहेगी, और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए 56,000 पर मंथ प्लस HRA रहेगा, और इसमें डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजिकल साइंसेज या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर फार्माकोलॉजी की, और मार्च 2023 तक ये प्रोजेक्ट रहेगा। 8 जुलाई 2022 को इसके लिए जो वॉक इन इंटरव्यू है वो कंडक्ट होगा। देन है प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, 49,000 पर मंथ सैलरी, MSc किया होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, और 8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर PhD किया हो और 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट नंबर है वो है 10,006, 2 वैकेंसीज है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स, MSc किया होना चाहिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री या फिर MTech किया होना चाहिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में। 11/2024 तक प्रोजेक्ट रहेगा ये। 12 जुलाई 2022 को इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट है 10,007 प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है 1, मास्टर्स किया होना चाहिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, मार्च 2023 तक के प्रोजेक्ट रहेगा, 12 जुलाई को इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट है 10,008 प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन एम फार्मा फार्माकोलॉजी या फिर MSc बायोकेमिस्ट्री किया होना चाहिए, 12 जुलाई को इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा। नेक्स्ट है 10,009 प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन, इसमें MSc किया होना चाहिए फूड साइंस न्यूट्रिशन फूड टेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में, मार्च 2025 तक रहेगा प्रोजेक्ट और 12 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। देन 10,010 प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन, 25,000 सैलरी और MSc किया होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी फूड एंड न्यूट्रिशन फूड फर्मेंटेशन एंड फूड साइंस, 3 साल का ड्यूरेशन रहेगा इस प्रोजेक्ट का, 12 जुलाई 2022 को जो है इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होगा। 10,011 प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 50 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, 20,000 सैलरी, BSc मेडिकल और लाइफ साइंसेज में किया होना चाहिए, 15 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। 10,012 प्रोजेक्ट एसोसिएट और MSc किया होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर बॉटनी या फिर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेज में, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए R&D का, फरवरी 2025 तक ये प्रोजेक्ट रहेगा और 15 जुलाई को इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा।
नेक्स्ट है 10013 प्रोजेक्ट एसोसिएट वन, इसके लिए एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी का किया होना चाहिए। मई 2023 तक प्रोजेक्ट रहेगा, 15 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। नेक्स्ट इज 10014 प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए मास्टर्स डिग्री एनी ब्रांच ऑफ फार्मेसी या फिर क्लिनिकल रिसर्च किया होना चाहिए। मार्च 2023 तक प्रोजेक्ट, 15 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। नेक्स्ट है 10015 प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट एसोसिएट मास्टर्स किया होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी या फिर बॉटनी या फिर जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग या फिर एग्रीकल्चर। 3 साल का प्रोजेक्ट रहेगा, 15 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। नेक्स्ट है 10016 प्रोजेक्ट एसोसिएट, एमएससी किया होना चाहिए हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर बॉटनी फॉरेस्ट्री एनवायरमेंटल साइंसेज। 20 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। नेक्स्ट इज 10017 प्रोजेक्ट एसोसिएट, एमएससी किया होना चाहिए हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बॉटनी एनवायरमेंटल साइंस। 20 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और 10018 प्रोजेक्ट नंबर है, फील्ड असिस्टेंट, मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स, बीएससी या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा 20 जुलाई 2022। 10019 प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन, एमएससी एग्री इन एग्रोनॉमी किया होना चाहिए या फिर सॉइल साइंस या फिर प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री या फिर एमएससी हॉर्टी किया होना चाहिए आपने, और इसके लिए 20 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। नेक्स्ट इज 10020 प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन, एमएससी जूलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी किया होना चाहिए, 20 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। 10021 प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन, एमएससी केमिस्ट्री किया होना चाहिए और 26 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। नेक्स्ट इज 10022 प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन, और इसके लिए 26 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होगा, एमएससी केमिस्ट्री बीटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। 10023 प्रोजेक्ट एसोसिएट, एमएससी केमिस्ट्री किया होना चाहिए और 26 जुलाई को इंटरव्यू इसके लिए कंडक्ट होगा। तो इसके लिए ये तो बात हो गई इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा और कौन कौन सी यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो निकली हैं, और इस तरह का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो आपको फिलअप करके लाना है उस दिन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये तो गाइज आज की इस वीडियो में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।